रुक जाओ। इस बोरे में क्या है? बंता जी से पैसे तो लिए हैं पेट दर्द का नाटक करने के लिए, लेकिन लगता है साई को आने में समय है अभी, तब तक बेर खा लेता हूं। हम तो द्वारका माई जा रहे थे। आप लोग चौराहे पर मिलिए मुझसे। साई, सत्तू कहाँ है? क्या आज भी उसे अकेला छोड़ा है? हम लोग उसी को मिलने जा रहे थे। सत्तू भी आपको वही मिलेगा। आप लोग चौराहे पर पहुंचिए। समझ में नहीं आ रहा है, साई यहाँ है तो सत्तू कहाँ है? कौन ले आएगा उसे चौराहे पे? जब साई ने कहा है कि सत्तू हमें चौराहे पर मिलेगा तो वहां मिलेगा। माफ करना दोस्त, वैसे तो चाहिए थे, लेकिन जब पेट में मरोड़े उठती है ना तो दुनिया में इससे जरूरी कोई काम नहीं होता। तो यही है तुम्हारा वो दोस्त जिसकी तबीयत खराब हो गई? मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं, इस बोरी में है क्या? रुक केशव, उसे छूना मत। ठीक है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। अल्लाह मालिक। हम चौक तो पहुंच गए। भाईजा,
यहाँ तो सत्तू दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं तुम लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि इस बोरी में क्या है कि केशव इसे छू नहीं सकता है? कहीं ये कुछ चुरा के तो नहीं भाग रहे थे? मेरे दो सेवकों पे किए जाने वाले आरोप सीधे मुझ पर आरोप है, संभल के बात कर। हरिओम। साई, साई यहाँ सत्तू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो? इतना ढूंढ लिया, थोड़ा सब्र और कर लीजिए, मिल जाएगा। तुम दोनों को क्या सांप सूंघ गया है? बताते क्यों नहीं इसमें क्या है? सांप? हाँ सरकार, सांप है बोरी के अंदर। हाँ हाँ सरकार, सांप ही है। इतना भारी सांप? अरे जिस पत्थर से सांप को मारा था वो भी तो डाला है ना अंदर, वो पत्थर भी तो विषैला हो गया होगा ना। हाँ ठीक है, जाओ पैक किया। बोरी में तो सांप था ही नहीं, ये कहां से आया पंता जी? कहां है सांप? सांप नहीं था तो फिर क्या है बोरी में? ये तो सत्तू की आवाज है। ये सत्तू, अरे बच्चे को, अरे बच्चे को बोरी में बांध के रखा था। इसके साथ बोल, क्या कर रहे थे इसके साथ? ये बहुत खतरनाक है, इसे इस गांव में नहीं रहना चाहिए। सबको पत्थर मारते रहता है ये। कुलकर्णी सरकार पर पत्थर फेंका था इसने, जानलेवा हमला किया था। ठीक ही तो कह रहा है पंता, ये बच्चा इस गांव में रहने के योग्य नहीं है, ये मानसिक रोगी है। इसके कारण इसका व्यवहार विचित्र है और अप्रत्याशित भी, न जाने किसके साथ क्या कर दे। और ये बैरागी इस बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, इसे नियंत्रण में नहीं रख सकता ये, नहीं तो ऐसी घटना होती नहीं, इसलिए इसे नहीं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज से इसकी देखभाल मैं खुद करूंगी। आज से ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसे गोद लूंगी। गरीब बच्चे की देखभाल करने का विचार बहुत ही अच्छा है सुहासिनी जी, लेकिन इस विचार को कर्म में परिवर्तित करना उतना ही कठिन होता है, समझ गई आप? माँ तो बस ममता जानती है,
इसके बाद मेरे बेटे पर तुम दोनों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। अजी, ये दोनों पहले भी सत्तू को परेशान कर चुके हैं और सत्तू को रस्सियों से बांधने वाले अंता जी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना, मेरे सेवकों पर लगाया हुआ आरोप सीधा मुझ पर आरोप है। आरोप सिद्ध हो गया है, अब दंड की बारी है। मर्यादा में रहिए सुहासिनी जी। कुलकर्णी सरकार की प्रतिष्ठा इतनी हल्की नहीं है कि एक अबोध की बातों से उसे तोला जा सके। और जहां तक बात रही अपराधी को दंड देने की, तो सबसे पहले दंड मिलना चाहिए सत्तू को। उसने तो सबको पत्थर फेंक के मारा था। और तो और सरकार, मेरा माखन भी चुरा के खाया था। लो, ये चोर भी है, और एक अपराध सिद्ध हो गया। सत्तू को दंड मिलेगा, और वो भी सबके सामने। हरिओम, जाओ। रुको, एक अबोध की भूल का बोझ इतना भी नहीं कि तुम्हारे दुष्ट सेवकों के अपराधों से तोला जा सके। कुलकर्णी, ये दोनों जो करते आए हैं और जो करने वाले थे वो पाप है। एक बच्चे को मारने का प्रयास करना पाप है, और अगर हिसाब पुरानी बातों पर ही होना है तो मैं निकालती हूँ पुरानी बातें। करोगे हिसाब? जीवा के परिवार पर अत्याचार तुमने किए थे, फसल तुमने जलाई, किसी के हाथ जलाए, अनेक गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें तुमने हड़प ली। अब करो हिसाब। ये मत समझना कुलकर्णी कि मैं यहां रहती नहीं हूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी काली करतूत तुम्हारी प्रतिष्ठा का मुंह कब का काला कर चुकी है। और रही बात मर्यादा की, तो मर्यादा का सम्मान दोनों तरफ से होता है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं, देखती हूं कौन मुझे रोकता है। की ममता कभी आंचल बनकर कड़ी धूप में छांव देती है, तो कभी बारिश की तरह बरसकर सदियों की तृष्णा मिटा देती है। वो मां कभी ढाल तो कभी तलवार बनकर हमारी रक्षा करती है। मां की ऐसी ममता को नमन, सैकड़ों नमन। साई ने एक माँ को बेटा दे दिया और एक बेटे को माँ। सत्तू मानसिक रूप से सामान्य नहीं है, और क्या वो शंकर का स्थान ले पाएगा? माँ की ममता में, उसके प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और साई कहता है ना कि प्रेम की शक्ति से कोई भी चमत्कार संभव है। तात्या, देख कैसा लग रहा है सत्तू? बहुत अच्छा। अत्या, अगर आप सत्तू को गोद लेना चाहती है तो आपके ससुराल वालों को हमें सूचित करना होगा। हाँ, बता देंगे उन्हें भी जब वो श्राद्ध पर आएंगे। मैं वो मंत्रोच्चार
विचार नहीं करूंगी। चिंता अर्थ यह है कि मैं मेरे शंकर को हमेशा के लिए जाने दे रही हूं। मैं श्राद्ध नहीं करूंगी। सुहासिनी श्राद्ध करेगी? अब तुम लोग अंदर आ जाओ, हम भगवान के सामने गोद लेने का अनुष्ठान करेंगे। आओ जल्दी, चलो बेटा। उन्हें साई के शब्दों का अर्थ समझ आ गया है। तो आजकल बच्चे को गोद लेना इतना आसान नहीं रहा है। अंग्रेज सरकार ने कई कठोर नियम बनाए और मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज सरकार इस गोद लिए बच्चे को मान्यता देंगे। अभी अभी तो आत्या बाई को खुशी मिली है, उन्हें खुशियां मनाने तो दीजिए, औपचारिकताओं के बारे में बाद में सोचेंगे। अरे तुम लोग अंदर आने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? मैंने पंचांग देखा है, अनुष्ठान का समय बस आने ही वाला है। आओ जल्दी अंदर आओ। मैं तेरी माँ हूँ। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं साई के साथ बात करता हूँ। और अगर हिसाब पुरानी बातों पर ही होना है तो मैं निकालती हूँ पुरानी बातें। क्या हुआ सरकार, आज चौराहे पे इतना कुछ हो गया और आप चुप रहे? मैं उलझ गया हूं अंता। एक तरफ मेरा बेटा उस पाखंडी साई से प्रभावित है, दूसरी तरफ वो स्त्री सुहासिनी चौराहे पर मेरे निर्णय को चुनौती दी। उसने सबके सामने ललकार कर बच्चे को लेके गई, ऐसा कभी नहीं हुआ अंता। पाठ तो पढ़ाना होगा अंता, उन्हें पाठ तो पढ़ाना होगा। हरि ओम। साई, आपने झांसी की रानी का नाम सुना है? मैं बताती हूँ, मैंने सुना है वो वीरंगना थी। अपने बेटे को अपने पीठ पे बांधकर घोड़े पे सवार होकर अंग्रेजों से लड़ती थी वो, है ना साई? उनमें इतना साहस कहाँ से आया साई? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, वो बचपन से ही वीर थी, बहादुर थी वो। लेकिन उनकी बहादुरी अपने शिखर पर तब पहुंची जब उन्होंने एक बच्चे को गोद लेकर मां बनने का निश्चय किया। अपनी कोख से उत्पन्न बच्चे की तरह उन्होंने उस बच्चे का पालन किया, उसे बड़ा किया, उसे पोषित किया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। झांसी की रानी ने अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानी, क्योंकि मां हारना नहीं जानती, मां कभी हार नहीं मानती। गोद लेने की बात सुनकर हमें आघात पहुंचा, बिना सोचे समझे कोई भी बच्चा। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, अप्पा जी बस आते ही होंगे, हम लोग अंदर बैठ के शांति से बात करते हैं, आइए। बैठकर बात करने का माहौल छोड़ा कहाँ बहनी ने?
क्या गोद लेने से पहले हमसे राय सलाह ली? नहीं ना, चारों धाम की यात्रा पर हजारों रुपए खर्च कर दिए, वो पैसे पूरे परिवार के थे। तब हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शंकर हमारे परिवार का खून था। लेकिन अब आप किसी भी ऐरे गहरे को गोद लेकर हमारे परिवार का कानूनी वारिस बनाना चाहती हैं? यदि आप गोद लेना ही चाहती हैं, तो मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को गोद ले लीजिए आप। धन के लोभ में अपना बेटा मुझे बेचने चले हो ताना जी? वाह, तुम दोनों की पत्नियां मेरे पीठ पीछे मुझे कुलक्षणी कहती थी कि इस औरत ने अपना पति और बेटा निगल लिया। ऐसे कुलक्षणी को आप अपना बेटा सौंपेंगे बिना किसी स्वार्थ के? आ गया सत्तू? अरे बाप रे, साफ करो ना, साफ करो। ये है वो बेटा, जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा बदतर निकला। ना तो अपनी नाक साफ कर सकता है, ना ही अपना ख्याल रख सकता है। ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा, हमारी सारी संपत्ति का स्वामी। देखो कैसे जानवरों की तरह गुर्रा रहा है। क्योंकि ये बोल नहीं सकता, इसे जानवर कह रहे हो? ऐसा तो सिर्फ वही सोच सकता है जो खुद जानवर हो। यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अब तो सत्तू ही मेरा बेटा है ना? बहुत जल्द सरकारी दफ्तर में इसका पंजीकरण करने वाली हूँ मैं। अरे ओ, मेरा न्याय देखना चाहती थी ना सुहासिनी जी आप चौराहे पर? आज दिखाता हूं मैं मेरा न्याय क्या है। आपको सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी स्वयं यहां आने वाले हैं। आप चलिए मेरे साथ, आगे जो भी कुछ होगा वो ये स्वयं देख लेंगे। हरिओम। आपने अभी भी साई को पूरी तरह माना नहीं है आत्या भाई, एक बार साई पर पूरा विश्वास करके तो देखिए, खुद को समर्पण करके देखिए, उसे एक बार पुकार के तो देखिए, वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। साई, सत्तू कहाँ चला गया? उसे उसकी माँ मिल गई है। तो अब वो ठीक हो जाएगा? माँ के प्यार में, उसकी ममता में बहुत शक्ति होती है। अब वो जरूर ठीक हो जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।